मेरा एक्सीडेंट हुआ था करीब एक डेढ़ साल हो गया या दो साल हो गया। एक हमारी बड़ी गाड़ी है आजादी बचाओ आंदोलन की बस है पूरी स्पेशल डिजाइन, वो पलट गया था पूरा, तो बिल्कुल उल्टा हो गया था, बहुत छोटा ही थी। तो उस समय मैंने आर्मी का इसकी सबसे ऊंची पोटेंसी सीएम लिया, आर्मी का तो आर्मी का भी सबसे हाईएस्ट पोटेंसी सीएम जिसमें दवा सबसे कम होती है। और स्थिति ये थी कि मैंने जिस समय दवा लिया तो उसके 3 घंटे के बाद मैं मेरे काम पे लग गया और डॉक्टर ने कहा था कि आपको तो 2-2.5 महीने बेड रेस्ट करना ही पड़ेगा क्योंकि इंजरी है, लिगामेंट इंजरी है, अंदर की इंजरी है, ये ठीक होने। मैंने कहा तुम डॉक्टर तुम्हारी रखो, मुझे बस इतना बता दू कि कहाँ कहाँ इंजरी है। तो हमारा दोस्त ही है डॉक्टर ऑर्थोपेडिक सर्जन, उसने कहा इतनी इतनी है, तो मैंने कैलकुलेशन कर लिया सी एम पोटेंसी का, एक डोज लिया बस 3 घंटे के बाद मैं व्याख्यान दे रहा था। और लोग हैरान हो गए कि इनको तो कल एक्सीडेंट हुआ था, इनको तो बिस्तर पर होना चाहिए और मैं व्याख्यान दे रहा था। तो इतनी ताकत है होम्योपैथी की दवाओं में। एलोपैथी वाले कम से कम 2.5 महीने बेड रेस्ट कराते हैं और प्लास्टर बांध देते हैं और वो सब कर देते हैं। मैंने प्लास्टर नहीं बांधने दिया, रेस्ट है फिर भी ठीक करता है, बस इतना ही है कि उसको पट्टी बांध के बराबर कर लेना, प्लास्टर चढ़ाने की जरूरत नहीं, तो हड्डी को दवा जोड़ देती है। तो ये आयुर्वेद का एक सिद्धांत है, दवा को सूक्ष्मतम रूप में लेना, तो सबसे ज्यादा प्रभावी है, ये आयुर्वेद का सिद्धांत है।